लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की डिनर पार्टी में एकजुट हुआ एनडीए। 36 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर फिर जताया भरोसा। देश के कई राज्यों में ईवीएम से लदी गाड़ियां मिलने पर 22 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर वीवीपैट का मिलान वोटों की गिनती से पहले करने की मांग की। ईवीएम पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी चिंता जाहिर की। कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी पर कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा 10 विधायकों को पद और रुपयों का ऑफर मिला। अरुणाचल प्रदेश में एनपीपी के विधायक तिरोंग अबोह समेत 11 लोगों की हत्या। चरमपंथी संगठन एनएससीएन पर हमले का शक। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुलगाम जिले के गोपालपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों की मौत। देश की राजधानी दिल्ली में दिनदहाड़े जिम ट्रेनर को 3 बदमाशों ने गोली मारी, हथियारे सीसीटीवी कैमरे में कैद। अंतरिक्ष में इसरो की एक और कामयाबी, RISAT-2B सैटेलाइट लॉन्च सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने में मदद करेगा। और वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना।